हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लगाने जा रही हूँ पालक। ये देखिए पालक, इस तरीके से मैंने बाज़ार से ख़रीदा है इसको। देखिए इस तरीके से पालक के बीज रहते हैं, टब में इस तरीके से फैला देंगे और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे। थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे कर देंगे। पालक देखे अच्छे से ग्रो करेगी, पानी रोज़ हम छिड़कते रहेंगे। अब ये देखिए पालक जो है अभी 12 दिन ही हुए हैं, 12 दिन में इतनी बड़ी हो गई है। गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है, किसी भी मौसम में पालक बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करती है। इसके लिए इसे आप कभी भी टेरेस गार्डन पर अपने पॉट में लगा सकते हैं। ये देखे पालक जो है मुझे लगाए हुए अब ये 25 दिन हो गए हैं, 25 दिन में ही इतना फास्ट ग्रो किया है। इसके साइड में देखे मैंने मिली बग या चीटियाँ नहीं आए, इसके लिए मैंने लक्ष्मण रेखा जो है उसको चारों तरफ अपने पॉट के खींचती है। ये देखिए पालक जो है 1 महीने की हो गई है। धीरे धीरे अगर तोड़ेंगे तो जो साइड के पत्तियों में से डंडी से जो बीज के डंडी निकलती है वो निकल कर आएगी और हमको बीज भी, इस पालक के बीज भी घर पर ही आसानी से मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप सब लोग भी अपने टेरेस गार्डन पर पालक को लगा लीजिए। ये देखिए मैंने ये पूरी पालक जो है तोड़ ली है, जितने बड़े बड़े पत्ते थे सब निकाल लिए हैं और ये छोटी छोटी पालक छोड़ दी है, जिससे कि दोबारा इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी छोटे पत्तों को रहने देंगे तो 2-3-4 बार इसको हम इसमें से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सब लोग भी अपने टेरेस गार्डन पर पालक लगा सकते हैं। आप देखिए इतनी मैंने एक ही बार में 1 किलो पालक, देखिए कितनी पूरी थाली भर गई है। तो 1 किलो पालक जो है हार्वेस्ट की है। अब हम इसकी चाहे दाल बनाएं या पकोड़े बनाएं। पालक घर पर लगाने का एक ही फ़ायदा है, जब भी हमारा दिल करे कुछ भी बनाने के लिए पालक से संबंधित कोई भी रेसिपी तो हम तभी का तभी बना सकते हैं। अब ये देखिए पालक जो है 2 महीने की हो गई है और इसमें ये देखिए सीड्स जो है निकल आए हैं। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए टहनी जो है इसमें सीड्स की ये निकलने लगी है। ये छोटे छोटे देखिए ये बीज तैयार हो रहे हैं। इसमें भी देखिए ये पॉट में भी इसी तरीके से देखिए ये बीज बनना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए पालक के पौधे अब ये 2.5 से 3 महीने के लगभग होने को आ गए हैं। अब इनमें ये बीज निकल आए हैं। ये देखिए कितने सारे बीज लगे हुए हैं, इनके बीज बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने सारे बीज लगे हुए हैं, थोड़े बीज सूख भी गए हैं। देखिए इधर सूखे हुए हैं ये थोड़े बीज। अब मैं इनको हार्वेस्ट करके बता रही हूँ कि ये होममेड बीज और बाज़ार के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये देखिए इसकी टहनी से ये देखिए इस तरीके से बीज निकाल के रख ले रही हूँ मैं। जितने भी सूखते जाएंगे उनके बीज को इकट्ठा करके रख लूँगी। ये देखिए ये है घर के बन बीज ये पालक के, और ये देखिए पैकेट का है, ये पैकेट के बीज है ये। इसमें देखिए ये बीज और ये बीज सेम बीज है, ये इसी तरीके से बन गए हैं। इन्हीं बीजों को थोड़े से पौधे के बीज जो थे सूखा झड़ रहे थे तो मैंने उनको तोड़ के ये पॉट में डाल दिए थे। 5 से 6 दिन हुआ है इनमें बीज डाले हुए और इसमें देखिए छोटे छोटे पौधे ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट ग्रो हो रही है इनकी।
अब ये देखिए जो हमने घर पर पालक के बीज हार्वेस्ट किए थे, देखिए ये 10 से 12 दिन ही हुए हैं और कितनी अच्छी पालक इसमें निकल कर आ गई है। तो इस तरीके से आप सब लोग भी बीज को भी बनाइए, घर पर ही पालक लगाइए, पालक से बीज दो से ढाई महीने में पालक के बीज निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके से पालक के बीज हार्वेस्ट करने तक का यह वीडियो आप सब लोगों को कैसा लगा है, यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।